ईडन गार्डन्स में जश्न का माहौल है। दो कारण है इसके, एक तो इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ेगी जो कि बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, और दूसरा है कि विराट कोहली अपना 35वां बर्थडे मनाएंगे। हमारे साथ है कोई मामूली फैन नहीं है ये लोग, इन लोगों को आप हर मैच में देखते हो इंडियन टीम को चीयर करते हुए, इंडियन टीम को सपोर्ट करते हुए। और अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, सो मैं नाम नहीं लूंगा, बट सबका एक ही मोटिवेशन है कल कि विराट के लिए चीयर करो, विराट का 49वां सेंचुरी बनवाओ और इंडियन टीम को जितवाओ। पहले मैं जाऊंगा सबसे सीनियर मेंबर जो है सुधीर जी के पास। सुधीर जी, विराट का बर्थडे, इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बड़ा मुकाबला है, तो कैसे देख रहे हो? हम तो देखेंगे भारतीय होकर, क्योंकि 2011 की जीत, टीम इंडिया करे रिपीट, ये तो सभी भारतीयों का मनोबल है। साथ ही विराट कोहली ने बेहतर सेंचुरी बनाने का मौका है कि एक बर्थडे गिफ्ट में एक स्कोर लेवल करेंगे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ। तो हम चाहेंगे कि कल की मैच विराट कोहली की बर्थडे गिफ्ट हट सेंचुरी हो और रिकॉर्ड की बराबरी करे। Everyone is waiting for the 49th century. Eden Gardens has been a special venue. He scored his first international century here. So what are you expecting? First, on the behalf of all cricket fans across the globe, we advance happy birthday to the great legend, the run machine, one and only Virat Kohli. During 2021, on his birthday at Dubai Stadium, I carried a banner. The same banner I'm getting tomorrow. City of Joy is always special, and then too Eden Garden is a very historical ground. We will celebrate with lot of rasgullas and Mr. Dohi tomorrow, that for sure. And definitely is going to make 100 tomorrow. It is a special 35th birthday. Once again, happy birthday in advance, legend, the run machine, one and only Virat Kohli. You can see the passion among the fans. Manoj, राहुल द्रविड़ का पोस्टर हाथ में है, बट सारा सपोर्ट तो कल विराट के लिए ही होने वाला है। मैं भी चाहता हूँ कल विराट सर सेंचुरी बनाए, क्योंकि उनका बर्थडे स्पेशल होगा कल, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी फैन आगे यहाँ सेलिब्रेट करें और हम लोग भी केक काट के विराट कोहली का सेलिब्रेट ग्राउंड में करेंगे और टीम इंडिया सपोर्ट करें, वर्ल्ड कप इंडिया जीते राहुल द्रविड़ के अंडर कोचिंग में। बिल्कुल, यहाँ पे दीपू भी है, रोहित शर्मा के सुपर फैन है, रोहित के लिए तो ये ग्राउंड बहुत स्पेशल है, बट कल रोहित के साथ साथ आप विराट को भी पक्का चेयर करोगे मुझे पता है। जी बिल्कुल, पुल शॉट के रन, पुल शॉट की बरसात में कोहली का स्ट्रेट आउट भी लगेगा और एक सेल्फ गिफ्ट देंगे अपने विराट सर अपने को सेंचुरी मार के, और काफ़ी तगड़ा मैच है, नंबर वन नंबर टू का मैच है। जो जीतेगा यहाँ से वानखेड़े जाएगा सेमीफाइनल वन खेलने। बेस्ट विशेष टीम इंडिया, कम ऑन इंडिया, भारत माता की जय। शिखर धवन के साथ विराट कोहली का रिश्ता बहुत पुराना है, दिल्ली से काफ़ी क्रिकेट खेला है साथ में और इंटरनेशनल में तो काफ़ी पार्टनरशिप लगी है। शिखर धवन हमारे साथ है, ये वो वाले शिखर धवन नहीं है बट ये हमारे लिए शिखर धवन है। पहले बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कल, ईडन गार्डन स्पेशल माहौल रहने वाला है, विराट कोहली का बर्थडे, इंडिया साउथ अफ्रीका, बहुत कुछ होने वाला है। कल का यही होगा कि हम लोग लगातार सातों के साथ मैच जीते हुए हैं और कल विराट सर अपने बर्थडे का गिफ्ट तो देंगे ही, और हम लोग का त्यौहार जो है स्पेशल दीपावली, बिल्कुल 8वां मैच जीतेंगे और फिर अपना दीपावली भी बेंगलोर में पटाखा बजाएंगे, और सर का जो बर्थडे होगा ना उस सेंचुरी के साथ ही अपना हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि भारत कल अगर टॉस जीती है तो बैटिंग करेगी, और बैटिंग करेगी तो विराट सर सेंचुरी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सारे फैंस के साथ। तो चैंपियन होंगे, अनबीटन चैंपियन तो बोल रहे हैं कोच, कैप्टन की जोड़ी, हर टीम की कमर है तोड़ी, भारत माता की जय, चक दे इंडिया। एक चैंट विराट कोहली के लिए हो जाए, उसके बाद सुधीर जी खत्म करेंगे शंख के साथ। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विराट कोहली, हैप्पी बर्थडे टू यू। शंख हो जाए, ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान।